आपका स्वागत है मिशन यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन सीरीज 2.2 में। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, बी भारतीय संसद द्वारा, सी गवर्नर जनरल द्वारा, डी ब्रिटिश संसद द्वारा। इसका सही उत्तर है ए संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1850, डी 12 दिसंबर 1976। इसका सही उत्तर है ए 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। प्रथम दिन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। ऑप्शन ए चेन्नई, बी मुंबई, सी संयुक्त प्रांत, डी बंगाल। का सही उत्तर है सी संयुक्त प्रांत। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए लाहौर में, बी दिल्ली में, सी कोलकाता में, डी मुंबई में। इसका सही उत्तर है बी दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। ऑप्शन ए लिबरल पार्टी, बी कांग्रेस, सी लेबर पार्टी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी लेबर पार्टी। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। ऑप्शन ए 1945, बी 1935, सी 1957, डी 1978। का सही उत्तर है बी 1935। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के अनुसार गठित की गई। ऑप्शन ए मिशन कैबिनेट मिशन योजना, बी क्रिस्प प्रस्ताव, सी माउंटबेटन योजना, फिर डी साइमन आयोग का प्रस्ताव। का सही उत्तर है ए कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को किसने पूर्ण रूप प्रदान किया। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, बी एम एन राय, सी जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर है सी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। 1999 1875 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1858 में, फिर डी 1900 में। इसका सही उत्तर है 1858 में। अगला प्रश्न है, मार्ले मेंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। ऑप्शन ए 1903 में, बी 1906 में, सी 1909 में, डी 1911 में। इसका सही उत्तर है सी 1909 में। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया कब। ऑप्शन ए 1778 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1773 ईस्वी में, सी 1776 ईस्वी में, या फिर डी 1793 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है बी 1773 ईस्वी में। अगला प्रश्न, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड में, बी फ्रांस में, सी ब्रिटेन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी फ्रांस में। अगला प्रश्न, भारत का संविधान किस प्रकार का है। ए नम्य, बी अनम्य, सी नम्य और अनम्य दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है नम्य और अनम्य दोनों। भारत का संविधान नम्य और अनम्य दोनों। अगला प्रश्न है,
विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए ब्रिटेन का, बी अफ्रीका का, सी भारत का, डी कनाडा का। इसका सही उत्तर है सी, भारत का। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी।